हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे RRB NTPC साइको टेस्ट के बारे में। और साइको टेस्ट जो होता है ना आपका, उसी को हिंदी में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो इसमें जो है इसका सिलेबस वगैरह क्या है आप लोग देख लेना अच्छे से कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, किस टाइप में कितना क्वेश्चन और कितना अलॉटेड टाइम होता है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारा चीज़ जो है सो मैं सिलेबस एंड स्ट्रेटजी करके मनोवैज्ञानिक परीक्षण का एक वीडियो है, 8-10 हज़ार लोग देखे हुए हैं, तो वो आप लोग जा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़, इसका पहला सेक्शन वर्गीकरण परीक्षण जो है आपका, जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट या क्लासिफिकेशन टेस्ट या ऑड वन आउट टेस्ट बोलते हैं, उसका लेक्चर आपका आ चुका है, तो आप लोग वो देख लेना। यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। ये पूरा का पूरा जो आपका लेक्चर है वो आपका हिंदी भाषा में होगा। हिंदी भाषा का मतलब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा वो हिंदी भाषा में लिखा हुआ रहेगा। ये मेरा क्वालिफिकेशन है, मेरा नाम है अभिजीत कुमार। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, खास करके तब तक के लिए जब तक आपका स्टेशन मास्टर में फाइनल सेलेक्शन नहीं हो जाता है, इसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करोगे तो फायदा क्या होगा। मैं अभी ना पर डे एक लेक्चर साइको टेस्ट से रिलेटेड दे रहा हूँ, सब दिन है ना, एक लेक्चर 9-10 बजे के आसपास। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का आइकन प्रेस करके रखोगे तो आपको जैसे ही यहाँ से लेक्चर डालूँगा पता चल जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आया। यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह है देख लो। काफ़ी लोग परेशान होते रहते हैं कि सर मैं नया हूँ, मुझे साइको टेस्ट के बारे में कुछ नहीं आता है, तो मैं साइको टेस्ट का तैयारी कहाँ से करूँ। जहाँ से आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो वहाँ से करो। ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे आप हो। यहाँ पे जो है सो जितना सेक्शन है सबसे पहले आपको उसका वीडियो मिलेगा, है ना। देखो YouTube पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन YouTube पे आपको सर्च करना पड़ेगा। ये सारा वीडियो आपको कोर्स के अंदर सिस्टमेटिक वे में है, आपको क्या करना है उसको देख करके सीख लेना है क्या होता है साइको टेस्ट, किस टेस्ट को कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट दुनिया भर का मैंने दिया हुआ है, जो सेक्शन आपको कमज़ोर है उसका आप टेस्ट लगाओ। 300+ सेक्शनल टेस्ट दिया हूँ, 50+ फुल टेस्ट दिया हूँ, है ना। वीडियो सॉल्यूशन जो है सो टफ टेस्ट का, इंटेलिजेंस टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, तो उसका कुछ टफ टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, भाषा आपका दोनों रहेगा, सर्वर आपका काफ़ी फास्ट रहेगा, और आपको जो है सो क्या बोलते हैं, मेरा तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, ये जो आप टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हो ना, इसमें 3871 स्टूडेंट हैं। ये पूरा इंडिया का सबसे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप कह सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, और ये पूरा के पूरा बच्चे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी लोग बोलते हो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करते हैं तो ज्वाइन नहीं होता है, तो NTPC साइको टेस्ट सर्च कर लो ना, @NTPC साइको टेस्ट सर्च कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते समय ये देख लेना कि डेडिकेटेड ग्रुप बाय अनलिमिटेड एजुकेशन है या नहीं, आपको इसी ग्रुप में रहना है। ये आपको समझ में आया। तो लिंक से ज्वाइन होता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप सर्च कर लो, NTPC साइको टेस्ट आ जाएगा। अब चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश में पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। आज का क्लास हिंदी में होने वाला है, और हर थ्योरिटिकल लेक्चर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका 5 तरह का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट आपका वर्गीकरण टेस्ट होगा, वर्गीकरण परीक्षण। दूसरा आपका चयनात्मक ध्यान या विषम संख्याओं का योग परीक्षण कह सकते हो। तीसरा आपका संक्षिप्त संभव रास्ता खोज या स्थानिक क्षमता परीक्षण कह सकते हो। चौथा आपका निर्देश कर्म परीक्षण, और पांचवा आपका व्यक्तित्व परीक्षण। पांचों का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ बनेगा, मतलब पांचों में आपको अलग अलग सेक्शन में पास करना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। टोटल आपको 480 नंबर का पेपर होगा, है ना। आपका ये जो है सो 80 नंबर का होगा, ये आपका 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 80 नंबर का होगा, और इसमें 2 होगा।
ये नंबर नहीं है, ये टी स्कोर है। एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 टी स्कोर तक आप ला सकते हो। टोटल आप इसको जोड़ोगे, पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण में आपका 2 होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 80 80 160, टोटल आपका 6 हुआ। टोटल आपका 6 8 है ना, आपका 48, 480 नंबर का होगा साइको टेस्ट, इसको याद रखना। वर्गीकरण परीक्षण का मैंने वीडियो बना दिया है। वर्गीकरण परीक्षण में आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 35 प्रश्न हल करना होगा। दूसरा टेस्ट है आपका विषम संख्याओं का योग, इसमें आपको 8 मिनट दिया जाएगा और इसमें आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तीसरा है आपका संक्षिप्त संभव रास्ता खोज, इसमें आपको 8 मिनट दिया जाएगा और इसमें आपको 40 प्रश्न हल करना होगा। चौथा है आपका निर्देश क्रम परीक्षण, इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 25 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। और पांचवा है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, इसमें आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 35 प्रश्न हल करना होगा। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। और परीक्षा जो है ना साइको टेस्ट, वो काफ़ी भारी होता है, मतलब इसका पैटर्न काफ़ी भारी होता है। आप देखना मार्केट में 6-7 जगह से ज़्यादा आपको इसका टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, है ना। ये सर दर्द है, इसका पैटर्न काफ़ी अलग है। तो आपको परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में, अंतिम परीक्षा में जिस तरह का टेस्ट आएगा, आपको उसी तरह के टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। वो मैं अभी आपको थोड़ा देर में दिखा दूंगा सब कुछ। तो इतना पता चला। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देता हूँ, इस 35 प्रश्न में आपको जो है सो 26 से लेके 28 तक सही सही करना पड़ेगा अंतिम परीक्षा में, क्योंकि टी स्कोर क्या होता है उसका लेक्चर आप लोग देख लेना। एवरेज से औसत नंबर जो आपका होगा ना सारे बच्चों का, जैसे इस टेस्ट में सारे बच्चे का जो औसत नंबर होगा, उस औसत नंबर से आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। अगर आप 4 सेक्शन पास करोगे और 1 सेक्शन में फेल करोगे, आप बाहर हो जाओगे। और स्टेशन मास्टर पोस्ट तभी मिलेगा जब आप साइको टेस्ट पास करोगे। इतना ही नहीं, आपका जो रिटर्न है, रिटर्न एग्जाम जो दिए हो, उसका 70% नंबर और आपका साइको टेस्ट का 30% नंबर जुड़ने वाला है। तो याद रखना, साइको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप पूरे भारत देश में अपने जोन से टॉपर हो और साइको फेल कर जाओगे, तो आप उसी समय स्टेशन मास्टर पोस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको दो बात ध्यान रखना है, एक आपको साइको टेस्ट पास करना है, और साइको टेस्ट पास कैसे करोगे, सारे सेक्शन में आपको औसत नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कि 30% वेटेज है, 30% नंबर भी जुड़ेगा, तो आपको जितना हो सकता है उतना अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि 35 है तो आप 26 नहीं लाओ, कोशिश करो मेरा 35 में 35 आए, कोशिश करो मेरा 30 में 30 आए, कोशिश करो मेरा 40 में 40 आए, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना आपका टी स्कोर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टी स्कोर होगा आपका साइको टेस्ट में नंबर उतना ज़्यादा होगा, और साइको टेस्ट में जितना ज़्यादा नंबर होगा तो वो आपका जुड़ेगा फाइनल मेरिट में। तो आप अपने आगे वाले बच्चे को भी पीछे कर सकते हो, इस बात को याद रखना। रिटर्न में अगर कोई आपसे 5 नंबर ज़्यादा लाया हुआ है, 8 नंबर ज़्यादा लाया हुआ है, तो आप साइको में अच्छा मेहनत करके उसको पीछे करके अपना सीट फिक्स कर सकते हो, इस बात को याद रखना। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो है हर टेस्ट से पहले आपको 5 मिनट जो है परीक्षा मतलब निर्देश टाइम दिया जाएगा, फिर आपको ये मेन टाइम है ये आपका, और हर परीक्षण खत्म होने के बाद 1 मिनट का आपको विराम समय दिया जाएगा। तो जिस तरह से ये पूरा पैटर्न है ना, 77 मिनट का आपका टोटल परीक्षा होगा, तो यही पैटर्न पे आपका टेस्ट सीरीज बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, आपका ये 5वां नंबर परीक्षण है ना, 5वां नंबर, तो व्यक्तित्व परीक्षण, इसमें करना क्या है, 2-4 बात बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि आपको 12 मिनट में 35 प्रश्न हल करना है, और ये परीक्षण जब आप हल करोगे ना, तो आपको कुछ ध्यान देना है। वैसे इसका जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा 35 प्रश्न मैं बना करके दिखाऊंगा, तो उसका एक एक लाइन सुनना, क्योंकि जब मैं प्रश्न बनाऊंगा तो आपको कुछ बात बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देना है परीक्षण हल करने समय, ठीक है। यहाँ देखो, इस परीक्षण में आपकी
अभिवृत्तियों और रुचियों का पता लगाने के लिए कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के 3 संभावित उत्तर हैं। कोई विशेष उत्तर सही या गलत नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखना। रीजनिंग का क्वेश्चन, जैसे कि आपको मान लो सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो मंगलवार, तो इस टाइप का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि 100% सही और गलत कह सकते हो, उसका बस आंसर आपको देना है। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट का सभी ऑप्शन जो है ना, सभी उत्तर जो दिया हुआ रहेगा ना, वो कुछ सही कुछ गलत होता है। आप किसी को पूरा सही और किसी को पूरा गलत नहीं कह सकते हो, उसी के आधार पे आपका व्यक्तित्व का परीक्षण लिया जाता है। तो कोई विशेष उत्तर सही या गलत नहीं है, आपको वह विकल्प चुनना है जो आपके हिसाब से अच्छा है। मतलब आपको लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए, है ना। जैसे आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है तो आप बोलोगे हाँ, और कोई बोलेगा नहीं। अपनी जगह पे आप भी सही हो, अपनी जगह पे वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हाँ बोलेगा अगर वो कभी देखता ही नहीं है। तो आपको जो है सो अपने हिसाब से आंसर करना है, और कुछ बात है उसको आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सा बात है वो मैं आगे बताऊँगा। और ये 4-5 पॉइंट और है कि आपके पास जैसे ही उत्तर आया तो जो सबसे पहले आपको लगता है उसको देने का कोशिश करें। बीच बीच का जो उत्तर होता है, बीच वाला, उसको, जैसे कि आपको शराब पीना अच्छा लगता है तो आप बोलो हाँ या बोलो नहीं। आप ये मत बोलो कि पता नहीं, मतलब आपको अपने बारे में पता नहीं है कि आप शराब पीना पसंद करते हो या नहीं, पता नहीं, ये कौन सा जवाब है। तो बीच का उत्तर आपको नहीं देना है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे आप बीच का उत्तर दोगे, जो आपको अभी वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। सुनिश्चित करें कि कुछ भी ना छोड़े, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और इस वीडियो में भी लास्ट में भी बताऊँगा आपको कि आपको जो है 35 प्रश्न अगर मिलेगा ना, तो 35 में 35 बनाना है। इसको कॉपी में अभी से लिख लेना। जितना हो सके ईमानदारी से जवाब देना है आपको, है ना, कि क्या सच है आपके बारे में। जैसे एक क्वेश्चन है कि कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूँ विचलित, केंद्रित, समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित। तो इसका आंसर कोई विचलित दे सकता है, कोई केंद्रित दे सकता है, कोई समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित दे सकता है। अगर आपके मन में क्या है वो आप आंसर करोगे। तो जैसे कि समस्या पर विचार कर रहे हैं तो समस्या को हल करने के बारे में सोचेंगे, तो इसका आंसर जो है सो ये ज़्यादा सही होगा, है ना। कोई आदमी केंद्रित भी कर सकता है, कोई विचलित भी कर सकता है। इसीलिए 2 लेवल आपका बनता है, अपर लेवल और लोअर लेवल। तो इतना आपको अभी तक समझ में आया। ये लेक्चर आपको पूरा देखना है तो ही आप पर्सनैलिटी टेस्ट का सब कुछ सीख पाओगे। अब यहाँ पे पहले ये बात आप जान जाओ कि पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा होता है, परीक्षा में कैसा आएगा, आपको सब कुछ जानना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान में रखना है आपको। प्रैक्टिस उस हिसाब से करो जिस हिसाब से आपको परीक्षा में पूछेगा। तो जैसे कि RRB NTPC साइको टेस्ट सीरीज में जाते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल अभी तक मैंने 226 और 232 टेस्ट दिया हुआ। ये टेस्ट 350 प्लस होगा, तो यहाँ पे फ्री टेस्ट मैं दिया हूँ। इस टेस्ट को आप जितने भी स्टूडेंट हो जा करके देख लेना, कहीं से भी टेस्ट लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे लो, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट ऑनलाइन प्रिपेरेशन करवाने के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट में। आप चैनल पर एक बार रिसर्च करके देख लो, आप टेस्ट सीरीज आके देख लो, आप डेमो टेस्ट देख लो, आप मेरा लेक्चर देख लो, उससे जो आपको समझा सकता है, जिसके पास समझाने का क्षमता है। और पैसा लगेगा तो कहीं भी पैसा लगाने से पहले डेमो टेस्ट लेकर के देख लेना कि सर्वर कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसमें वीडियो वगैरह है कि नहीं, सॉल्यूशन वगैरह है कि नहीं, सब कुछ देख लेना। डिस्कशन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह दे रहा है कि नहीं, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो टीचर, और उसके बाद लेना। कंपनी वगैरह के चक्कर में मत फंसना। पैसा दोगे, टेस्ट मिलेगा, काम खत्म, फिर प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछोगे। तो ये सब थोड़ा सा सोचो। तो यहाँ पे ये फ्री टेस्ट मैं 6 दिया हूँ, 5 सेक्शन का, एक एक फ्री टेस्ट और एक आपका फुल टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट मैं पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से जाना है, नेक्स्ट करना। यहाँ पे मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, पहले अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, है ना, सभी क्वेश्चन आपको बनाना है। NTPC का और DFCCR का जो साइको टेस्ट होता है ना, उसमें आपको 12 मिनट में
35 क्वेश्चन मिलेगा, तो ये मैं अभी बताया आपको। और मेट्रो एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको 15 मिनट के लिए 36 क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको समझ में आया। परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में ऑटो सेव का सुविधा होगा, इस टेस्ट सीरीज में ऑटो सेव का सुविधा नहीं है, इसीलिए आप 10-15 क्वेश्चन बना लेना एक बार और एक बार से पिकरिक कर देना, ठीक है। 15 मिनट में आपको 15 मिनट दिया जाएगा, 36 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन रहेगा, सब एक नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं है और एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया, एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप पूरा का पूरा बनाओ, ठीक है। चलो अब मैं टेस्ट स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन करना। ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन है आपका 5 मिनट का, फाइनल परीक्षा में भी आपका ऐसा ही आएगा, 5 मिनट का, 5 मिनट का ये इंस्ट्रक्शन। अपना हाथ पैर झाड़ो, दिमाग को रिलैक्स करो, जो करना है करो, इसको पढ़ो, क्या है कैसे है देखो, या घर पे प्रैक्टिस करो, स्किप करो। यहाँ पे स्किप करना, मेन टेस्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से टेस्ट है, आपको इस तरह से बनाना है। और माउस, जो ये माउस देख रहे हो ना, ये माउस, माउस का ये चक्री जो है वो आपको यूज नहीं करना है। आपको माउस के लेफ्ट क्लिक से यहाँ से रख के ऐसे करके, यहाँ देखो ये जगह, ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको चक्री यूज करके, चक्री आपका काम नहीं करेगा, आपको लेफ्ट क्लिक करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जब दोगे ना फाइनल, तो वहाँ पे स्क्रॉल बटन काम ही नहीं करेगा, फिर मार खाओगे, टाइम बर्बाद होने लगेगा और पूरा बना भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब लैपटॉप पे देते हो तो माउस के लेफ्ट क्लिक से ही प्रैक्टिस करना। तो नीचे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ो, हिंदी अच्छा लगता है हिंदी पढ़ो, लेकिन याद रखना, अगर दोनों भाषा में ग्रामर का मिस्टेक होगा तो इंग्लिश को कंसिडर किया जाएगा, तो ये आपको पता चला। वैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में ग्रामेटिकल एरर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप जाना, नीचे जाना, जैसे जाना है जाओ, टाइम बहुत मिलता है, और अच्छे से पढ़ के बनाना सब कुछ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनाए, अभी तक सेव नहीं किए हैं, अभी तक सेव नहीं किए हैं, मान लो ये बना रहे हैं 10-15 बनाए, जो भी मन है बना रहे हैं ऐसे करके, है ना। तो एक बार सेव देखो, यानी इससे पहले मैंने जितना बनाया सेव, ज़रूरी नहीं है आपको बार बार सेव करना है, आप पूरा बना के एक बार भी सेव कर सकते हो, बस टाइम ख़त्म होने से पहले सेव कर लेना, ठीक है। चलो स्किप करते हैं, देखो यहाँ पे ये टेस्ट आपका सबमिट, मैंने कितना बनाया, रॉन्ग आपका 8 और करेक्ट आपका 3, मैंने 11 बनाया था तो मेरा 3 सही हुआ, और 3 सही हुआ तो 3 नंबर आया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर यहाँ पे आपको रिपोर्ट वगैरह पे जाओ और आप सॉल्यूशन वगैरह पे जाना, आपको रैंक टाइम सब कुछ दिख जाएगा और आप यहाँ से सॉल्यूशन वगैरह देखो, तो ये सारा चीज़ समझ में आया। अब मैं पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन हिंदी भाषा में बताने जा रहा हूँ, कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन बताऊँगा, उसको आप लोग लिख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देख लेना, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 40-50 पर्सनैलिटी टेस्ट मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन मीन्स अनलिमिटेड कंटेंट विथ अनलिमिटेड क्वालिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को एक पेज पे राइट करना है। इसका जो आपका मार्किंग सिस्टम है, एक होता है आपका अपर लिमिट, याद रखना, एक होता है आपका अपर लिमिट और एक होता है आपका लोअर लिमिट। तो आप सभी को इसके ऊपर आना है और इसके नीचे रहना है, ये समझो आपका ओवर कॉन्फिडेंट, और ये समझो आपका बिलो कॉन्फिडेंट, ठीक है, और ये आपका कॉन्फिडेंट, ऐसे समझो, या आप कह सकते हो नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको कहते हैं ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस घमंड को शो करता है, ईगो को शो करता है, तो रेलवे को एक नॉर्मल इंसान चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट चाहिए और ना ही कन्फ्यूज चाहिए, बिलो कॉन्फिडेंट चाहिए। तो इसका जो मार्किंग सिस्टम है, अगर आप इसके नीचे आ गए तो आप फेल कर जाओगे, और अगर आप ऊपर भी चले गए तो आप फेल कर जाओगे, आपको इसके बीच में रहना है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में रहना है, तो ये आपको पता चला। और पर्सनैलिटी टेस्ट में काफी लोग फेल करते हैं, तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट राइट कर रहा हूँ,
तो इसको आप लोगों को पता करना है, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, आप एक आइडियल पर्सन हो, आप रियल लाइफ में किस टाइप के इंसान हो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने जिंदगी में, अपने फैमिली के नज़र में, अपने सोसाइटी के नज़र में, अपने स्टेट के नज़र में, अपने कंट्री के नज़र में और इस दुनिया के नज़र में आप एक अच्छा इंसान हो, आइडियल पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो, इस बात को आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट में नोटिस करना है, ठीक है। आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ठीक है। आपको अपने बारे में नहीं, समाज के बारे में, समाज के नज़रिए से सोचना है। आपको वो काम करना है जो सोशली एक्सेप्टेबल है। तीसरा, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है मतलब किसी का साइड नहीं लेना है। चौथा, आपको साइंटिफिक सोचना है। क्या सोचना है? साइंटिफिक, साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। चलो, ये आपको पता चला। पांचवा, आपको बीच का आंसर नहीं करना है। आपको बीच का आंसर नहीं करना है जल्दी, ठीक है। कभी कभी कर सकते हो, कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हमेशा बीच का आंसर कर दिए, बीच का आंसर नहीं करना है। छठा, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ये आपको पता चला। सातवां, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, नहीं तो उसको ईगो बोला जाता है और रेलवे को ईगोइस्ट पर्सन नहीं चाहिए। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है ओनली, ठीक है। और एक मैंने बता ही दिया, ना तो ना ज़्यादा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ईगो, ठीक है, ना ज्यादा नेगेटिव, इसको बोलते हैं कंफ्यूज, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आप दुष्ट प्रकृति के हो, ठीक है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो पता चलेगा कि आपका नेचर जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो इतना सारा चीज अगर आपको पता चला, और एक पॉइंट और कि आपका 5 से लेकर के 7 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग टाइप का भी होगा, जिसमें 100% आप स्कोर कर सकते हो आसानी से, या जीके टाइप का होगा, या हिंदी ग्रामर टाइप का होगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन होगा जो आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। जैसे कि सुबह का अपोजिट क्या होता है, विपरीतार्थक क्या होता है, इस टाइप का, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वो आपका नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन होगा, जैसे सुबह उठ के पेरेंट्स का पैर छूना चाहिए, अपने मम्मी पापा का बात मानना चाहिए, अच्छा नेचर जिसको बोलते हो, जो बचपन से टीचर लोग सिखाते आए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। तो 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सब लोग बना सकते हो। अब एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट करके राइट करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, किसी भी कीमत पे, ठीक है। कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। अगर 36 क्वेश्चन है और अगर आप 25 क्वेश्चन बनाते हो, और अगर आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो ये गलत है। आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बोला ना, लिमिट डिसाइड होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और सिर्फ 25 क्वेश्चन बनाओगे तो रेलवे आपका लिमिट कैसे डिसाइड करेगा, ग्राफ कैसे बनाएगा। आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, तभी पता चल पाएगा ना कि आपका रियल थिंकिंग, आपका रियल नेचर कैसा है। एक चीज फाइनल करने के लिए,
एक चीज़ फाइनल करने के लिए मुझे 36 डाटा का ज़रूरत है, तो सिर्फ 25 डाटा में आप ग्राफ प्लॉट कैसे कर पाओगे? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है, इसको ध्यान से सुनो और स्टार मार्क करके लिखो और एग्जाम में बना करके आना। और जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हो, आप सभी का काम है, जो आपका बेस्ट स्कोर होता है किसी भी टेस्ट का, तो आप लोग मुझे पर्सनली ऐप पे अनलिमिटेड एजुकेशन चैट सेक्शन में जो है सो मैसेज किया करो, स्क्रीनशॉट भेजा करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है और मैं आपको बताऊं कि किस पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे ट्रेन पर सफ़र करना अच्छा लगता है। तो आप बीच का आंसर आपको तुरंत नहीं करना है, कभी कभी कर सकते हो, रेयर केस में आपको तुरंत नहीं करना है। तो ये आंसर आप नहीं मारोगे, निगेटिव आंसर आपको तुरंत नहीं करना है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब आपको रियल लाइफ में अच्छा लगे या ना लगे डजंट मैटर, रेलवे के नज़र में आपको ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाँ। संगीत सुनकर मुझे खुशी और आनंद मिलती है, हाँ। असली में मिले या ना मिले, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर करना है। मुझे खरीदारी करने में खुशी मिलती है, हाँ। गरीबों की मदद करने में आनंद आता है, हाँ। आप करो चाहे मत करो, आपको यहाँ पे आंसर हाँ करना है, पॉजिटिव करना है। सारा क्वेश्चन बनाना है, याद रखना, टोटल क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। मुझे धारावाहिक देखने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप बोलोगे हाँ, बढ़े या ना बढ़े, लेकिन देखना है और आत्मविश्वास बढ़ाना है। और वैसे भी जितना भी मूवी होता है, सीरियल वगैरह होता है, वो किसी न किसी स्टोरी पे बेस्ड होता है और कोई ना कोई लेसन जरूर उसमें मिलता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे हाँ तो है नहीं, तो आप नहीं नहीं बोल सकते हो, नहीं तो पता चलेगा आप इंग्लिश के दुश्मन हो। कभी नहीं अगर बोलोगे तो आप पता चलेगा आप कन्फ्यूज हो, मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आपके माइंड पे खुद भरोसा नहीं है कि आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा कभी कभी, अब ये बीच का आंसर नहीं है, याद रखना। और एक चीज़ और, आपको बेस्ट ऑफ 3 चुनना होता है, बेस्ट ऑप्शन हमेशा चुनना होता है, इसको भी याद रखना। शादी के बाद लोग खुशी मनाते हैं, हाँ। कॉमन सेंस है, पॉजिटिव सोचना है, सही बात है। मुझे सभी धर्म के लोगों से दोस्ती करने में खुशी मिलती है, हाँ, सही बात है, पॉजिटिव सोचना है। मैं अपनी बुद्धि की परीक्षा देने के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ, मुझे अपने बुद्धि पे भरोसा है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भरोसा है, मैं रेडी रहता हूँ। चलो, सभी लोग राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जीके का कंसेप्ट भी आ जाता है। सभी लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई 9 साल का बच्चा है तो वो चाहेगा तो राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ आपको मैंने पहले बोला ना, बचपन से जो चीज़ सीखते आए हो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, ठीक है, नहीं, कभी कभी भी नहीं कह सकते हो। कभी कभी मतलब क्या, बच्चा प्रवेश कर जाएगा क्या, नहीं। 1 साल का बच्चा प्रवेश कर जाएगा क्या, नहीं। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहेगी, हाँ, अगर आप नॉर्मल फैक्ट का बात करोगे तो, ये नहीं कि रोक लगा देंगे तो कैसे होगा, ये नहीं, नॉर्मली जनसंख्या में वृद्धि होगा तो हाँ। मैं अपनी आत्मा को जगाना चाहता हूँ, हाँ, सही बात है, जगाना चाहता हूँ। आप विदेश जाना चाहते हैं, तो इसमें आप हाँ भी कर सकते हो और कभी कभी भी कर सकते हो, लेकिन कभी नहीं मत करना। और ज़्यादातर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट का बात करोगे तो हाँ करना, घूमना फिरना हाँ अच्छा लगता है, जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस है, हाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी भी सही होगा, हमेशा याद रखना। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। हिंदुस्तान एक अच्छा अखबार हो गया है, तो हमेशा के लिए नहीं कह सकते हो, नहीं तो आप द हिंदू, दैनिक जागरण, ये सब का दुश्मन हो जाओगे। कभी कभी के लिए कह नहीं सकते, तो इसमें आप बोलोगे कह नहीं सकते, हिंदुस्तान नहीं पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता है, कह नहीं सकते। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने बोला था
ये बीच का आंसर नहीं करना है, तो ये बीच का आंसर नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ हिंदुस्तान अखबार के बारे में। इससे ये मीनिंग भी मत निकालना कि आप कंफ्यूज हो क्या, कि आप कह नहीं सकते तो मैं हिंदुस्तान पढ़ता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे बोलूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसका आंसर मेरा और आपका अलग अलग होगा, इसीलिए इसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। आपका पर्सनल लाइफ अपना शो करो, मैं अपना पर्सनल लाइफ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसीलिए हर स्टूडेंट का अलग अलग स्कोर आता है और हर स्टूडेंट के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिसाइड किया जाता है कि आप कहाँ पे फिट करते हो। जैसे मान लो सपोज करो ये 30 है लोअर लिमिट और ये 70 है अपर लिमिट, तो आप हो सकता है 60 पे आओगे, मैं हो सकता है 35 पे आऊँगा, मैं भी पास करूँगा आप भी पास करोगे, तो ये जो वेरिएशन आया वो यहीं से आया। आपने यहाँ पे ये आंसर किया, मैंने ये किया, किसी और स्टूडेंट ने ये किया। सब स्टूडेंट अगर सेम आंसर करोगे तो सभी का यहाँ पे एक ही स्कोर आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ आंसर अलग करते हैं कुछ अलग करते हैं, इसीलिए इस रेंज में आपका स्कोर आता है। अब मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। पागल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सचमुच में वो वाला पागल, कि पागल खाना में भर्ती करना पड़े, ऐसा नहीं, ये आप जनरल स्टेटमेंट है। तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ, आप कह सकते हो कभी नहीं, इसका मतलब आपको खुद पे भरोसा है कि आप अच्छा खासा खुशी को भी बर्दाश्त कर सकते हो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे अगर अच्छा खबर मिले तो वो खुशी से डांस करने लगता है, तो उसको बोलते हैं खुशी से पागल हो जाना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा अच्छी खबर पाकर ये मत करना कभी नहीं, ये थोड़ा सा आपको बी के कंपैरिजन में कम सही है और ये तो गलत है, ये अगर करोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये तो हर स्टूडेंट सही करेगा। जोरू का गुलाम किससे संबंधित है, तो पति पत्नी। मैंने बोला ना 36 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा है जो हर इंसान सही करेगा एग्जैक्ट। प्राचार्य समय पर कॉलेज आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाँ। प्राचार्य जो होते हैं कॉलेज के, जो टीचर्स होते हैं, हेड टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, है ना, हेड मास्टर होते हैं, तो उनको समय पे कॉलेज आना चाहिए। ये एक लेसन है कि टाइम पे कॉलेज आना चाहिए। हाँ कभी कभी भी बोल सकते, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग को देगा, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। तो हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कानून बाल विवाह को हटाने का प्रयास कर रही है, तो हाँ सही बात है। मैं वकील बनना चाहता हूँ, हाँ आपको नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है, ये तो नहीं करना है। और कभी कभी का मतलब क्या होता है, जो हाँ बनना चाहते हैं और कल बोलोगे नहीं बनना चाहते हैं, परसों बोलोगे बनना चाहते हैं, तो ये गलत हो गया, आप इसमें पॉजिटिव रिप्लाई करो। मैं क्रिकेट के बारे में जानना चाहता हूँ, हाँ पॉजिटिव रिप्लाई करो। विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो कंठ से, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे संस्कृत, प्रातः, तो प्रातः इसका मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग, तो जैसे संस्कृत में बोलते प्रातः, तो ये है आपका विसर्ग, क्या है, विसर्ग, और इसका उच्चारण करते हैं कंठ से, ठीक है। देखो ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है, ये सब लोग बना दोगे। प्रदेश में एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे खराब होता है, तो इसका मतलब हुआ आप अपने प्रदेश में जो है ना निगेटिविटी खोज रहे हो। आपको निगेटिविटी नहीं खोजना है, आपको पॉजिटिविटी खोजना है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दुनिया के नज़र में आप अच्छे इंसान हो ना, तो अच्छा के बारे में आपको सोचना है। कह नहीं सकते मत करना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, सही है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर देर से आते हैं, पॉजिटिव आंसर करना है। हाँ करोगे तो इसका मतलब हुआ कि सारा डॉक्टर देर से आता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर जनरल फैक्ट का बात करोगे तो कभी कभी बाय मिस्टेक होता है, जो लेट हो जाता है, तो इस केस में आंसर कभी कभी होगा, लेकिन 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 नहीं भी हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट ये करोगे और कुछ स्टूडेंट ये करोगे। मैंने पहले बोला ना, पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं होता है, वो आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको जो अच्छा लगे इस दोनों में करना, ठीक है।
मुझे अपने कंटेंट पे काफ़ी भरोसा होता है, और याद रखना मैं आपके कोर्स में कंटेंट तब तक ऐड करता हूँ जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन न मिल जाए कि ये इनफ हो गया। आपके डिमांड पे नहीं होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन पे होता है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता होता है कि कितना कंटेंट, कितना प्रैक्टिस सेट, कितना टेस्ट विथ टाइमर आपको दे दिया जाए कि सिर्फ आप उसको फॉलो कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, अगर कहीं पे सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए हुए होगे तो थोड़ा सा आप लोग बाय हार्ट सोच करके देखना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज कर लेने से प्रिपरेशन नहीं होता है। प्रिपरेशन और सिलेक्शन दोनों अगर अच्छे से करना है, प्रिपरेशन होगा तो सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको एक पार्टिकुलर जगह पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो। छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग होता है पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन एक आइडियल पर्सन के हिसाब से आपको क्या करना है, वो रिवीजन करते हैं, सभी पढ़ाई को दोहराते हैं। सामाजिक चलचित्र देखकर मन कौंद उठता है, मतलब मन खुश हो जाता है, तो यहाँ सही बात है, अच्छी बात है। हत्यारे को देखकर मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो हाँ सिंपल, वो हत्यारा है, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। और कभी नहीं बोलोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कोई हत्यारा इंसान है और उसको देख करके भी आप न्यूट्रल हो तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब आपके मन में कुछ नहीं है, आपका थोड़ा सा भी अपना सेंस नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपको हाँ आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे हत्यारा है। कंगा देखो, ये आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ना कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और पेंगुइन अंटार्कटिका में, है ना। चलो, पिताजी मेरे प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। अब जिसको अपने पिताजी से पटरी नहीं खाता होगा वो बोलेगा कभी नहीं, लेकिन आपको समाज के नज़र से, दुनिया के नज़र से एक आइडियल पर्सन बन के सोचना है, तो पिताजी जो होता है वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा चिंता व्यक्त करता है, करते हैं, सही बात है। तो हमेशा मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, शत्रुओं के प्रति, तो शत्रुओं के प्रति तो होगा नहीं। अब जो भक्त टाइप के लोग होंगे वो बोलेंगे भगवान के प्रति, और मैंने पहले ही बोला ना, आपको साइंस के हिसाब से सोचना है, आपको भगवान के हिसाब से नहीं सोचना है, भक्त के हिसाब से नहीं सोचना है, साइंस के हिसाब से सोचना है, और एक अच्छा इंसान के नज़र से सोचना है। और जो अच्छा इंसान होता है, साइंस तो चलो भगवान में मानता ही नहीं है, और जो अच्छा इंसान होता है वो आपका माता पिता के प्रति। और बचपन से मैंने बोला 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो बचपन से आप सीखते आए हो उस पे बेस्ट रहेगा। तो मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ माता पिता के प्रति। कलाकार ध्यान केंद्रित करके चित्रकारी करता है, हाँ सही बात है। अगर आप डांस करते हो, आप गाना गाते हो, तो आप कोशिश करोगे कि सब लोग आपको सुने। आप पढ़ाते हो तो आप कोशिश करोगे कि सारा स्टूडेंट का ध्यान आपके तरफ हो, और आप ऐसा ऐसा बात बोलोगे कि सारा स्टूडेंट का ध्यान आपके तरफ होगा और आप उसको और अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करोगे। तो सही बात है, वो ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद वो अपना कलाकारी दिखाता है। अब यहाँ पे देखो, ये सोनारा, हीरा मोती, कल्याण, जो गाँव से बिलोंग करते होगे, या जिसका GK अच्छा होगा या साइंस अच्छा होगा, वो जानते होगे। तो ये सारा आपका गेहूं का किस्म है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नशीला पदार्थ ग्रहण करने से थकावट दूर होती है, अगर आप हाँ बोलोगे इसका मतलब आप पियक्कर किस्म के इंसान हो, जो आप नशीला पदार्थ का सेवन करते हो, तो आप पूरी तरह से हाँ मत बोलना, चाहे वो थकावट दूर कर देता हो फिर भी, है ना। और कह नहीं सकता अगर आप बोलते हो, इसका मतलब आप नशीला पदार्थ लिए नहीं हो, कभी जानते ही नहीं हो, तो आप ये क्वेश्चन मार सकते हो। और अगर आप इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर खोजोगे तो कभी कभी करना, तो ये सही होगा। तो कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा, कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा, और मैंने बोला ना लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, सब पास हो जाएगा। और ये जो स्कोर में वेरिएशन होता है वो इसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन की वजह से होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 34, भारत देश में प्रभुता होती है तो राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, तो जनता के पास, अपना लोगों का कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जनता के पास, लोकतांत्रिक देश है हम लोगों का, ठीक है, तो जनता के पास। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, आँख बंद करके हाँ, और ग्रामीण लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, आँख बंद करके हाँ।
अब ये मैंने 36 क्वेश्चंस बनाया है और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 15 मिनट काफ़ी होता है। कोशिश करना 15 मिनट तक बनाने का, ये नहीं जो 5 मिनट में ही बना करके बैठ गए। इसको कोशिश करना 30 सेकंड 40 सेकंड पहले खत्म करने का कोशिश करना, और अटेम्प्ट आपको करना है सारा का सारा क्वेश्चन, अटेम्प्ट 100% क्वेश्चंस। इसको एकदम आंख बंद करके रट जाओ इस बात को, क्योंकि ये ग्राफ जो प्लॉट होता है तो सारा डाटा चाहिए रेलवे को। बाय मिस्टेक एक दो क्वेश्चन छूट गया आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक डर बना हुआ रहता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में कहीं फेल ना कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 25 बना के 25 सही करने का कोशिश मत करना, आप लोगों को 36 out of 36 बनाना है। ना समझ में आए फिर भी आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं, समझ में ही नहीं आए, फिर भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होता है। चलो लेक्चर को लाइक कर देना, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई मन में कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लो, और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स में आप लोग इनरोल होके रिलैक्स रहो और टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।